हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान अफसर को तलाश चुके खनन माफिया के मंसूबों पर मंडी जिला के बल प्रशासन ने पानी फेर दिया है। कठिन दौर से गुजर रहे हिमाचल से आपने ऐसी खबर पहले नहीं सुनी होगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे जगह जगह रेत के ढेर लगे हुए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण नदी नालों से बहकर आए रेत को माफिया ने अलग अलग जगहों पर जमा कर लिया था। जेसीबी की मदद से करोड़ों के रेत को एकत्रित किया गया, कुछ एक हिस्से को बेचा भी जा चुका था। प्रशासन ने सूचना मिलते ही खनन माफिया पर स्ट्राइक कर डाली। फौरन ही खनन विभाग की मदद से रेत के ढेर को नीलाम करने का निर्णय लिया गया। एक दिन में ही नीलामी से सरकार को आपदा के समय में 45 लाख की आमदनी हो गई है। अभी कई जगहों पर रेत के भंडार मौजूद हैं। प्रशासन खड्डों व नालों की वीडियोग्राफी भी करवा रहा है। आपको बता दें कि कई जगहों पर 4 से 5 फीट तक का रेत जमा हुआ है। पहाड़ी प्रदेश की बल घाटी बेहद उपजाऊ है। हाल ही में यहाँ के किसान टमाटर बेचकर करोड़पति भी बने हैं। जानिए क्या कह रही हैं बल की SDM। तो फ्लड के कारण बहुत सारा रेत है जो अब लोगों के घरों के पास आ गया है, सड़कों पे आ गया है। तो उसके लिए हमने जैसे ही हमको कंप्लेंट्स मिली, रिसीव की फील्ड में हमने देखा, तो हमने तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है मैडम, उनको हमने इंटीमेट किया। और आज हमारे पास जो एक एरिया है हमारे भटियाल में है, वहाँ पे हमारा एक सरकारी स्कूल है, उसके कैंपस में ही बहुत सारा जो रेत था, उसके बाहर भी रेत था। तो आज उसका ऑक्शन किया गया और जो भी मुझे रिपोर्ट मिली है उसमें 45 लाख की जो इनकम सरकार को जनरेट हुई है। अभी सलवान का एरिया बचा है, उसके लिए भी असेसमेंट जारी है। तो जहाँ जहाँ ऐसा है, बिकॉज आपदा का दौर है, सरकार के पास भी पैसे की कमी हो सकती है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जितना हम सरकारी खजाने में पैसा जोड़े ताकि लोगों को और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। इंदौर नगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।